हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। हाउ आर यू ऑल? इन टुडेज़ वीडियो हम कर्सिव राइटिंग में टू लेटर्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स कैसे बच्चों को लिखाना है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जब हम कर्सिव राइटिंग स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले उनको स्ट्रोक्स के साथ प्रैक्टिस कराते हैं, फिर सिंगल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद जॉइनिंग ऑफ लेटर्स, फिर हम टू लेटर वर्ड्स एंड थ्री लेटर वर्ड्स पर बच्चों को लिखाना स्टार्ट कराते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वी राइट इन फोर लाइन की कॉपी में बच्चों को लिखवाना है, और लाइन्स के बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है जो आप चेक कर सकते हैं। लाइक द टॉप लाइन इज़ द फर्स्ट लाइन इज़ द टॉप लाइन, देन द मिडिल लाइन, देन द बेस लाइन एंड द बॉटम लाइन। इन चार लाइन्स के बारे में बच्चों को पता होना ज़रूरी है, इनके नेम्स, ताकि वो सही से लेटर फॉर्मेशन कर पाएँ और जब आप उनको इंस्ट्रक्ट करें तो उनके लिए इजी हो जाए। हम जब सिंगल लेटर प्रैक्टिस कर लिया होता है ए टू जेड बच्चा, और फिर जॉइनिंग ऑफ लेटर्स करा के उनको टू लेटर वर्ड्स और थ्री लेटर वर्ड्स स्टार्ट करवाते हैं। हियर आई विल शो यू सम वर्ड्स कि कैसे जॉइन कराना है। जब आप बच्चों को जॉइन कराना स्टार्ट करवाएं तो प्रॉपर स्पेसिंग या प्रॉपर गैप जो होता है अल्फ़ाबेट्स के बीच में वो बताना ज़रूरी है, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा क्लोज ना लिख ले अल्फ़ाबेट्स या बहुत दूर ना लिख ले। उनको ये बताने के लिए यू हैव टू टेल देम कि आपके लेटर्स के बीच में वन नूडल गैप होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ वन नूडल गैप? लाइक यू ईट नूडल्स, तो नूडल्स जितना पतला होता है उतना स्पेस आपके दो लेटर्स के बीच में होना चाहिए, तभी आपकी राइटिंग ब्यूटिफुल बनेगी। लाइक दिस, गोइंग टू शो यू सम लेटर्स, सम वर्ड्स।